हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 16.25। तो इसमें देखो, जो फर्स्ट है उन्होंने बोला रीड द टेबल, हमने टेबल देखना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ये यहाँ पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यारा, ये न्यू दिल्ली अराइव्ड, मतलब कि इतने बजे आएगी और इतने बजे चले जाएगी। ये 24 आवर वाला है ना, 24 आवर वाला टाइम बता रहे हैं, 14:13 अगर हो तो, आवर्स में बता रहे हैं। तो हमने AM PM में कन्वर्ट करना है, अगर उन्होंने टाइम पूछा होगा। अलीगढ़ इतने बजे आती है, इतने बजे चली जाती है, 15 मिनट बाद। अच्छा, कानपुर जो है ना, वो इतने बजे आती है और इतने बजे चली जाती है। तो अब हम, उन्होंने क्या पूछा, एट वट टाइम डज गोमती एक्सप्रेस लीव न्यू दिल्ली। देखो, न्यू दिल्ली से लीव मतलब डिपार्चर का मतलब होता है लीव, ठीक है। तो कितने बजे, एट व्हाट टाइम गोमती एक्सप्रेस लीव न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से कब लीव होगी, कब है ये। लेकिन इसको हम आवर्स में आइए, अगर ऐसे हो तो आवर्स में होता है। इसको मैंने 24 से 12 o'clock वाले, 12 वाले क्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहली बात बीच में डॉट लग जाएंगे, ठीक है। फिर अच्छा, ये जो होता है आवर्स को, अगर मैंने कन्वर्ट करना है AM PM में, हमें पता है कि ये 12 से बढ़ गया, 14 जो है 12 से बढ़ गया, तो मतलब PM में होगा, है ना। AM में तो चेंज ही नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे कन्वर्ट करने के लिए 12 आवर, ठीक है। तो ये आ गया 2, मतलब कि 2 o'clock जो है वो 2, अब PM आएगा ना, 2 PM वहाँ से जाएगी। सेकंड, व्हेन डज इट अराइव एट अलीगढ़, अलीगढ़ से कब आएगी अलीगढ़ में, यहाँ पर आएगी 15:15 पर। तो 15:15 है, इसमें से भी माइनस कर देंगे ना, ये क्या है, ये वाला लास्ट जो 2 digits हैं, तो ये जो है ये 12 से बड़े हैं, 12 से बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 12 माइनस कर देंगे, ठीक है, 1200। तो कितना बना, बीच में पॉइंट लग जाएंगे ना, यहाँ पर भी, तो कितना बना देखते हैं। जब मैं इसको माइनस करूँगी, माइनस 12, तो 513, तो कितना हुआ, 3:15 AM को PM योगा PM में, ओके। सो ये देखो यारा, सी वाला, हाउ लॉन्ग इट, उन्होंने बोला न्यू दिल्ली से लॉन्ग डज इट टेक ट्रैवल, मतलब कि कितना टाइम लगेगा अगर न्यू दिल्ली से स्टार्ट हो और कानपुर पर हम ख़त्म हो। न्यू दिल्ली, देखो न्यू दिल्ली से जाना है ना, तो कितना टाइम लगेगा आप ही देखो। हम क्या करेंगे, न्यू दिल्ली का ये है ना और ये वाला कानपुर, तो कानपुर वाला जो है इससे माइनस कर दो, ओके। सो ये कितना बना, हमने क्या किया, इसमें से माइनस किया 13:30 वाला। जब भी हम माइनस करते हैं तो आर में कन्वर्ट करके करते हैं, तो ये तो पहले से ही है, तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कितना था, 13:30, ठीक है, ये मिनट्स ये आर। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, थर्टीन, तो देखो ये मिनट वाला है ना, मिनट वाले ने इससे कैरी करेगा क्योंकि ऊपर 0 0 है, छोटा है। सो ये 2 से लेगा, कितना लेगा, 1 आवर, क्योंकि ये आवर है ये मिनट है, तो ये 1 आवर लेगा। 1 आवर मतलब कितने हो गए, 60 मिनट, ठीक है। 0 में ऐड करके अगर लिखते हैं ना हम, तो 0 में ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो 60 हुआ, और ये हो गया 30 माइनस करके। फिर
आर वाले ने एक दिया था ना, आर मतलब 60 मिनट्स दिए थे, तो 21 में से 13 माइनस किया 7, तो कितना आएगा 7 30 आर, 7 आर 30 मिनट्स। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो आप, 7 आर 30 मिनट्स। अंडरस्टैंड? ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये है सेकंड वाला। तो इसमें देखो ज़रा, फर्स्ट जो है क्वेश्चन, देखो यहाँ पर ये वाला जेट का है ना, और ये वाला किंगफिशर का टाइमिंग है, जो भी है उसका डिपार्चर और अराइव्ड होगा, मतलब होता है आना, और डिपार्चर का मतलब होता है जाना, ठीक है। ये होता है लीव, ये वाला आने वाला होता है, क्योंकि कब आए। तब देखो, एट व्हाट टाइम डज जेट लीव मुंबई, लीव मतलब कि गया, डिपार्चर, ठीक है। तो मुंबई से जो जेट है वो कब गया, ठीक है, वो है 15, पीछे आंसर गलत ही हुए हैं बीच में से। तो जेट जो है वो मुंबई से कब गया, तो ये है 1500 आर्स। तो इसको मैंने कन्वर्ट करना है ना, तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है, 15 12 से बढ़ गए, तो 12 मतलब कि इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना, इसमें से हम क्या करेंगे 12, और बीच में डॉट दो दो लगा लेंगे, और ये आ गया 3, तो 3 PM, ठीक है। और किंगफिशर कब अराइव हुआ, किंगफिशर मतलब ये, ठीक है, चेन्नई से कब अराइव हुआ, 15, यस, सेम वही ऊपर वाला ही 1500, उसकी भी यही आ रही है 15, इतने आर, इसको मैंने माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम ऊपर वाला ही आंसर है, तो इतना PM आंसर होगा, ठीक है। सो ये देखो, हाउ लॉन्ग, जब भी उन्होंने बोला हो न्यू दिल्ली से चेन्नई, दोनों दोनों जो फ्लाइट्स हैं, कि कितना टाइम लगेगा, इतने बजे पहुंच रही है, इतने बजे चल रही हैं, और इतने बजे पहुंच रही है किंगफिशर, इतने बजे चल रही हैं, तो कितना टाइम लगेगा, हम क्या करेंगे, इसमें से ही माइनस कर देंगे, इसमें से ही माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसके लिए मैं अगला पेज जो है वो खोल देती हूँ। देखो पहले हम बात करें जेट की, तो जेट जो है वो देखो यहाँ पर इतने बजे पहुँचा, इतने बजे शुरू हुआ, मैंने जब पहुँचा ना तब का, और जब शुरू हुआ तब का टाइम नोट कर लेना है हमने, तो 1800 और 1115, 1800 और 1115, इसको हमने माइनस करना है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको दे रही हूँ कि आप कैसे करते हो, और ऊपर वाला हिंट दे देती हूँ, ऊपर वाला छोटा है, तो ये 60 हो जाएगा ना, 1 आर लेगा मतलब 60 मिनट्स, ये मिनट्स हैं, ये आर्स हैं, तो यहाँ पर 17 रह गया। आंसर देखना निकाल के कितना आ रहा है, पीछे आंसर गलत दिए हुए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं। तो किंगफिशर जो है वो, उसकी बात करें तो ये देखो, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो 1500 माइनस 855, 1500 मतलब ये 8, ठीक है, ऐसे होगा है, तो यहाँ पर भी 60, यहाँ पर 4 रह गया, ठीक है, एक बार वैल्यूज चेक करूँ, यस। तो आप ये वाले आंसर निकालो, इनका आंसर्स निकाल के मुझे आप फोटो सेंड करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।